लखनऊ से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहा है। बीजेपी विधायकों को चुनावी मोड में आने का फरमान। विधानमंडल दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आह्वान, अब चुनाव के लिए कस ले कमर। सरकार को 3 साल हो गए हैं, अब आ जाइए चुनावी मोड में। राम मंदिर पर भी केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। 19 को मंदिर ट्रस्ट की बैठक, जल्द बनना शुरू होगा राम मंदिर। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधायकों को दिलाई कार्यकर्ताओं की याद। कितने एमएलए गए हैं अपने पोलिंग एजेंट के पास, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा। आदित्य द्विवेदी जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। आदित्य, जिस तरीके से 3 साल का काम हो चुका है, 3 साल की सरकार हो चुकी है और अब अभी से तैयारी आगे चुनावों की है, 2022 चुनावों की है, चुनावी मोड में आने का आह्वान हो चुका है। जी हाँ, आज जो विधानमंडल दल की बैठक शुरू हुई है तो उसमें मुख्यमंत्री अपने बिजी शेड्यूल के चलते थोड़ा लेट आए थे, लेकिन विधानमंडल की बैठक शुरू कर दी गई थी। बाद में मुख्यमंत्री भी शरीक हुए हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री आकर के मंच पर बैठे थे, वैसे ही सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बुलाया गया। स्वतंत्र देव सिंह ने अपने बहुत छोटे से वक्तव्य में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला सभी जनप्रतिनिधियों को कि अगर 3 साल में वो कार्यकर्ताओं से नहीं मिले हैं, बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे अगर इनकी मुलाकात नहीं है, उनके शुभ कार्यों में और उनके सुख की घड़ी में यदि वो उनके साथ शरीक नहीं हुए हैं तो अभी भी दो साल का वक्त है, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाए, कायदे से उनसे मिलना जुलना शुरू करें और उनकी बातों को सुनना शुरू करें, दरवाजा खोल के रखें अपने घर के और उनको चाय नाश्ता भी कराएं। तो जो उन्होंने स्टेट फार्मर बोला उनका मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इसके अलावा जो बातें होंगी वो बाकी लोग करेंगे। इसके बाद जब केशव प्रसाद मौर्य आए तो उन्होंने जो बातें शुरू की, उन्होंने कहा कि अब आप चुनावी मोड पे आ जाइए, 3 साल पूरे हो गए, 3 साल की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाइए, बताइए कि केंद्र और राज्य सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं और किस तरह से लगातार सरकार सक्रिय है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस जानकारी के लिए आपका।